सबको पता है कि लॉकडाउन है जो मई 3 तक बढ़ गया है और पहले से ज्यादा सख्ती की गई है, जैसा कि मोदी जी ने बताया था अपने लाइव में कि पहले से ज्यादा सख्ती बरतने की जरूरत है क्योंकि अभी भी लोग बाहर घूम रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करें, अब तो बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके लिए आप सबको पता होना चाहिए कि बाहर निकलने के लिए अगर आप बाइक से निकलते हो या फिर कार से, जो भी आपका वाहन हो, उसके लिए ई पास जरूरी है, तभी आप बाहर निकल सकते हो। नहीं तो अगर आप पकड़ा है बिना ई पास के तो अच्छा खासा जुर्माना लगने वाला है, आप सबको पता है। तो गाइस आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जो भी बिहार राज्य के निवासी हैं वो अपने लिए ई पास कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, बस आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। एक परफेक्ट रीज़न आपको देना होगा बाहर निकलने के लिए, क्यों आप बाहर निकलना चाहते हैं, क्यों आपको ई पास अप्लाई करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये नहीं कि सब लोग ई पास अप्लाई करने लग रहे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अगर ज़्यादा बल्क में होगा तो फिर किसी का भी अप्लीकेशन सबमिट नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए सोच समझ के अप्लाई करना, अगर आपको लगता है आपको ज़रूरी है अपने परिवार के लिए कि हाँ मुझे जाना बाहर ज़रूरी है, मुझे ये सामान लाना है, ये करना है, वो करना है, तो आप ई पास अप्लाई कर सकते हो। तो बस वीडियो को पूरा देखते रहना। मेरा नाम है विकास राज, आप देख रहे हो टेक्निकल शो, सो लेट्स गो। बहुत ज़्यादा गर्मी है यार। तो गाइज आ गए हैं हम लैपटॉप की स्क्रीन पर, और लैपटॉप की स्क्रीन पर से यही तभी फॉर्म भरा सकता है। उसके लिए आपको या तो मोज़िला फायरफॉक्स या फिर गूगल क्रोम की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे मोज़िला फायरफॉक्स को ज़्यादा मैंडेटरी दिया गया है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, यहाँ पे महत्वपूर्ण सूचना और सावधानियाँ पहले पढ़ लें, उसके बाद फॉर्म भरने के लिए जाएँ। ठीक है, प्लीज़ आप सबसे प्रार्थना है कि पहले महत्वपूर्ण सूचना को पढ़ लें। उसके बाद यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपको दो तरह का दिया गया है, एक बारकोड, यहाँ से जैसे यहाँ बारकोड स्कैन करोगे तो एक लिंक जनरेट होगा, उस लिंक से भी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, और नहीं तो यहाँ पे आपको लिख रहा होगा कोविड-19 आपदा के लिए ई पास का निगरमन। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्लिक करके भर सकते हो ये पास, और जिनको ज़रूरी है वही भरे प्लीज़, बिना मतलब का ज़्यादा पास को क्या बोलते हैं फॉर्म ना भरे, इससे फिर आप ही लोगों को दिक्कत है, अप्रूवल नहीं मिलेगा यार। ठीक है, ज़्यादा पास भरोगे अप्रूवल नहीं मिलेगा बिल्कुल भी, इसीलिए सोच समझ के भरे। अरे यार दिस साइट लगता है क्रैश करा साइट यार। हाँ चलो, यहाँ पे ये वेबसाइट खुल चुका है, यहीं से आपका ई पास अप्लाई होगा। यहाँ पे आपको भर के तो मैं नहीं दिखाने वाला हूँ, लेकिन आपको मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको आवेदक का नाम, जो भी भर रहा है आवेदक का नाम भरना है, पिता का नाम, फिर उसकी उम्र, मोबाइल नंबर, लिंग, ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी देना, ठीक है ज़्यादा बेटर होगा। पहचान पत्र में आप देख लो यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, फिर लाइसेंस वगैरह, पासपोर्ट, पैन कार्ड या सरकारी आईडी कार्ड, ठीक है, फिर पहचान पत्र का नंबर, जो भी आप जिस तरह का भी वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड उसका नंबर यहाँ पे देना है। फिर आपको यात्रा ई पास की वैधता, मतलब कब से लेकर यहाँ पर दिया गया है कब तक चाहिए, ठीक है ध्यान रखिएगा कब से लेकर, और जब भी आप यहाँ पे चूज़ कीजिएगा टाइमिंग तो अभी से आधा घंटा बाद का टाइमिंग चूज़ कीजिएगा, मतलब अभी अगर 12 बज रहा है तो आप 12:30 बजे 1:45 तक का टाइम चुनिएगा। यहाँ पर कब से लेके कब तक चाहिए आपको ये पास की ज़रूरत है। ठीक है, वाहन का प्रकार, यहाँ पर 2-व्हीलर, 3-व्हीलर, 4-व्हीलर या फिर अन्य, ठीक है, वाहन निबंधन संख्या, गाड़ी का नंबर यहाँ पर दे देना है, शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ है इसीलिए आपको कष्ट हो सकता है, तो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर गाड़ी का नंबर देना है। ठीक है, संचालन का प्रकार, ठीक है, कहाँ पे चलाना है आपको, अपने ज़िले में चलाना है, ज़िले के बाहर में चलाना है या फिर पूरे राज्य में चलाना है, ठीक है यहाँ पे दिया गया है। यात्रियों की संख्या, ठीक है, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए फॉर्म ई पास बनाया गया है जो अपने घर आना चाहते हैं और उनके पास अपनी खुद की वाहन है, तो उसके लिए ज़्यादा बेटर है ये फॉर्म। यहाँ पर कितने यात्री है उस गाड़ी पर, 1, 2, 3, 3 तो नहीं, 2 ही मैक्सिमम, 2 विथ हेलमेट, ठीक है, आप सबको मास्क तो ज़रूरी है। फिर यात्रा का प्रयोजन, आप किस तरह का लोग हैं, आधिकारिक है मतलब कि गवर्नमेंट है के लिए है, व्यापार के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर व्यक्तिगत के लिए, यहाँ पे ये तीनों चीज़ में से किसी को आपको मतलब कि आपको किस लिए अप्लाई कर रहे हो, आप कौन हो, आधिकारिक हो, ठीक है गवर्नमेंट का आदमी हो या फिर आप बिजनेसमैन हो या फिर कोई भी व्यक्तिगत आदमी हो, ठीक है। यहाँ पर प्रयोजन का प्रकार यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है, मान लो यहाँ पर अगर आप आधिकारिक चुनते हो तो शायद यहाँ पर कोई ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखिए कार्यालय कर्मचारी आउट मतलब यहाँ पे जो भी आप चुनोगे वहाँ पे इसके हिसाब से प्रयोजन का प्रकार आप चुन लेना, ठीक है ये तो आपको समझ में आ रहा। फिर आधिकारिक और व्यक्तिगत प्रयोजन का कारण, क्यों यहाँ पे आपको कारण लिखना है, ठीक है ध्यान रखिएगा समझिएगा बात को मेरी, यहाँ पे देना है। फिर इसके बाद प्रस्थान स्थल, जिला अनुमंडल के अंदर का जहाँ आवेदन देना चाहते हो,
तो अपना जगह का नाम दे दीजिएगा, यहाँ पे प्रस्थान स्थल देना, कहाँ से आपको प्रस्थान करना है समझ जाना, प्रस्थान स्थल जिला का नाम देना है या फिर अनुमंडल के अंदर का जहाँ आवेदन आप देना चाहते हो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बातों को। उसके बाद गंतव्य जिला, गंतव्य जिला का मतलब डेस्टिनेशन सिटी, ठीक है, डेस्टिनेशन टाउन, ठीक है, कहाँ से लेकर कहाँ तक आप जाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे आप दोनों में भर लेना। मान लो आप गया में ही गाड़ी चलाना चाहते हो, मैं गया से हूँ, बिहार के गया सिटी से, तो यहाँ पे भी मैं गया लिखूँगा और यहाँ पे भी गया लिखूँगा, लेकिन आपको अगर घर जाना है तो आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है तो ये दोनों जगह पे आपको देना है, समझ लो मेरी बातों को पहले बढ़िया से, ठीक है। उसके बाद आपको वर्तमान पता, अभी फिलहाल आप अपना पता दे सक, परमानेंट एड्रेस आपको देना है, ठीक है, इसके अनुसार ही आवेदन जमा करने का जिला और अनुमंडल चुनना सुनिश्चित करे, ठीक है, यहाँ पे आप पहले वर्तमान पता दे उसके बाद ये जिला चुने, ठीक है, पहले आपको ये वाला फॉर्म, ये वाला चीज़ देना है, वर्तमान पता, उसके बाद आपको जिला जहाँ आवेदन देना चाहते हो, जहाँ के लिए आप आवेदक हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फ़ोटो देना है बस, उसके बाद आपको यहाँ पे शपथ पत्र पे आई एग्री कर लेना है, आई एग्री करने के बाद यहाँ पे कैपेसिटा देने के बाद, कैपेसिटा देने के बाद यार आई एग्री कर लेना है और सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद क्या, या फिर आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसीलिए मैंने कहा यहाँ पे आप पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमाण पत्र आवेदक ईमेल आईडी और सर्विस प्लस इनबॉक्स दोनों पे भेज दिया जाएगा, साथ ही मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से डाउनलोड लिंक भी भेज दिया जाएगा। वो डाउनलोड लिंक में क्या रहेगा, एक पेपर रहेगा जो कि आप अपने गाड़ी पे चिपका लो, उसके बाद आप जा सकते हो अपने घर को, या फिर आप फिलहाल कोई अगर ज़रूरी रीज़न है तो वहाँ पे आप भर के निकल सकते हो, ठीक है, ज़रूरी है तब यार, बिना मतलब का मत फॉर्म फिलअप करना, ज़्यादा फॉर्म फिलअप होगा तो यहाँ पे फिर सबमिट होना बंद कर देगा, अप्रूवल नहीं मिलेगा, ज़्यादा अगर होने लगेगा फॉर्म तो भराने लगेगा तो, ठीक है, ये कोई सरकारी जॉब का फॉर्म नहीं है कि 1 करोड़ लोग भर दिए हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ नहीं जरूरतमंदों लोग, जरूरतमंद लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए आए हैं तो फिर सब्सक्राइब करके बेल बटन रखकर उसे जरूर दबा लें। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, चलो बाय बाय गाइस, स्टे होम स्टे सेफ।